leads to question number 9th of exercise 15b, that is volume and surface area of solid. Question number 9th is the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is. Friends, ye inner diameter de rakha hai. Inner ek matlab, inner diameter ka matlab hai ek cylinder andar hai aur ek cylinder bahar hai. Ye aise hai. तो अब इनर डायमीटर कह रहा है 24 सेंटीमीटर, तो दैट मींस ये है 24 सेंटीमीटर, राइट फ्रेंड्स. और क्या कह रहा है, एंड द आउटर डायमीटर इज 28, और बाहर का डायमीटर ये थोड़ा ऊपर इसलिए खींच रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ सके 28 सेंटीमीटर है, राइट. अब क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर. दोनों के लिए लेंथ कितनी है, 35 सेंटीमीटर. Now find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. हमें wood कितनी used हुई है cylinder को बनाने के लिए वो निकालना है, जिस और ये दे रखा है हमें 1 centimeter cube की wood किसके equivalent है, 0.6 grams के equivalent. राइट फ्रेंड्स, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें ये निकालने के लिए पहले आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम निकालेंगे, तो अंदर का ये जो है ये पार्ट हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये सिर्फ ये वुड यूज हो जी कितनी हुई है वो निकल जाएगी. देखिए इंटरनल के लिए, इंटरनल पार्ट के लिए हमारा रेडियस डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, राइट फ्रेंड्स. तो रेडियस कितना हुआ, डायमीटर अपॉन टू, दैट इज 24/2, तो ये कितना आ गया 12 सेंटीमीटर. और हाइट कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर, राइट फ्रेंड्स. तो वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल आई लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर स्क्वायर है तो मतलब 12 × 12, एच कितना है 35, तो देखिए 7 × 5 = 35, तो ये कितना आ गया 12 × 5 = 60. अब 22 × 12 ये वाला, और × 60 कर देंगे हम, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 2, तो ये आ गया 264, 264 × 60, तो ये कितना आ गया 10 ये वाली, 6 × 4 = 24, 2 carry 36, 38 3 कैरी, 12, 13, 14, 15 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, राइट फ्रेंड्स. अब एक्सटर्नल के लिए, एक्सटर्नल के लिए हमारा डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर अपॉन टू, दैट इज 28/2, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर. और हाइट तो सेम थी ही 35 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना आया एक्सटर्नल का, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 14, स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख रही हूँ, और इनटू 35, तो 7 × 5 = 35, राइट फ्रेंड्स. अब देखिए 14 × 5 = 70, राइट, तो 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 14 करते हैं, तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 22, तो ये कितना आ गया 8, 10 and 3, तो 308 को मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 as it is, 7 × 8 = 56, 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें वुड यूज निकालनी थी, तो वुड कितनी यूज हुई है, पहले वुड यूज निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में, तो वो क्या ऐसे निकालते हैं, एक्सटर्नल वॉल्यूम, वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम बड़े में से छोटा ही करेंगे, बाहर वाला एक्सटर्नल बड़ा हुआ कंटेनर, तो 21560 में से हमने 15840 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया हमारा, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 15 में से 8 गए 7, एंड 20 में से 15 गए 5, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब. अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर
क्यूब वेट ऑफ वुड इज इक्वल्स टू 0.6 ग्राम्स के इक्विवेलेंट है, राइट फ्रेंड्स। तो इतनी ज्यादा 5720 सेंटीमीटर क्यूब वेट ऑफ वुड कितने के इक्वल होगी, एक की वैल्यू दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5720 इंटू 0.6, राइट फ्रेंड्स। पॉइंट हटाया 10 लग गया, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 6 2 जो 12 कैरी 1 43, 4 कैरी 34, राइट फ्रेंड्स। इतने ग्राम्स में आया। अब हम चाहें तो इसे केजी में भी कर सकते हैं, तो केजी में करने के लिए ग्राम्स को हम क्या करते थे, डिवाइड बाय 1000 करते थे, तो इसको हमने डिवाइड बाय 1000 कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ग्राम्स की जगह क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। अब नीचे 3 जीरो है, तो दैट मीन्स 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 3.432, इधर से 3 के बाद पॉइंट लग गया, केजी इज द आंसर। थैंक यू। इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑन मैथ्स एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।